तो डियर स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बात करेंगे बी एस सिक्स सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं यानी कि रिटर्न बेस पे उन सभी छात्र और छात्रों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है फिर से सुन लीजिए बी एस सिक्स सेमेस्टर सब्जेक्ट आपका पोलिटिकल साइंस है और प्रश्न पत्र यानी पेपर का नाम है फर्स्ट पेपर क्योंकि इसमें दो पर सब्जेक्ट के दो पेपर देने होते हैं तो ये फर्स्ट पेपर से जुड़े क्वेश्चन इसमें होंगे तो आते मेन मुद्दे पे आज की इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि मनु एक ठीक है मनु का जीवन परिचय और मनु स्मृत पर टिप्पणी कीजिए या फिर टिप्पणी दीजिए तो मनु पहले जान लेते मनु मनु एक प्रमुख विद्वान है राजनीतिज्ञ है ठीक है इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में पोलिटिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है ठीक है तो उससे संबंधित उत्तर आपको लिखना होगा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक मनु के विचारों को जानने का आधार मनु अस्मृति है इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर व्यक्त समाज एवं राज्य की विविध कार्यों यानी कि राज्य के कुछ कार्य होते हैं समाज के कुछ कार्य होते हैं ठीक है एवं उनके कुछ दायित्व भी होते हैं उन सभी का विशद विवेचन किया गया है उसके बाद मनु ने पूरे समाज को चार वर्णों में विभाजित कर जन्म के आधार पर प्रत्येक वर्ण के नियम निषेध तय किए हैं कहने का मतलब ये है मनु जो प्रमुख राजनीतज्ञ हैं इन्होंने पूरे समाज को चार वर्णों में डिवाइड किया है ठीक है यानी कि चार वर्णों में विभाजित किया है ठीक है विभाजित कर दिया है उसके बाद जन्म के आधार पर प्रत्येक जो वर्ण होते हैं एक, एक दुई तीन चार ठीक है इन चीज़ों को नियमानुसार तय कर दिया कि इस स्टेप के लोग फर्स्ट में आएंगे इस स्टेप से इस स्टेप के लोग सेकेंड में आएंगे फिर इस स्टेप से इस लेकर थर्ड में आएंगे इसी तरह चार स्टेप में चार वर्णों में डिवाइड किया है ठीक है और मनु की आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को आयु के आधार पर विभाजित कर तद्रूप दायित्व निर्धारित किया मतलब कि उम्र के हिसाब से ठीक है जो कि आपको भी आगे समझ में आ जाएगा और अगला पॉइंट है यहाँ पर कि मनु का शासक दैवीय शक्ति संपन्न होते हुए भी धर्म और दंड के अधीन था मनु के राज्य एवं राजा का स्वरूप जन कल्याणकारी एवं नैतिक मूल्यों से युक्त है यानी कि जो मनु प्रमुख विद्वान थे इन्होंने क्या किया अपने जो राज्य है समाज है उसमें बहुत सारा इनका योगदान रहा है और एक किस तरह लोगों का कल्याण कर सके किस तरह समाज का कल्याण कर सके किस तरह राज्य का कल्याण का कर सके उसके लिए इन्होंने दिन प्रतिदिन बहुत ही कार्य किया है और बहुत ही इन्होंने कोशिश की है ठीक है तो इस प्रकार से बेसिक परिचय लिखेंगे उसके बाद अगला पॉइंट है कि मनु ने राज्य के सप्तांक सप्तांग सिद्धांत द्वारा राज्य के प्रमुख अंगों का ही विवेक समस्त विवेचन किया है बल्कि परराष्ट्र संबंधों के लिए भी सार्थक परामर्श दिया है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक देश के ही लिए नहीं एक ही प्रदेश के लिए ही नहीं इन्होंने अपनी बातें अपने राज्य के जो सिद्धांत है कुछ नियम कानून है उनको अन्य देशों और अन्य राज्यों में भी अपने जो उनके परामर्श यानी उनकी जो एडवाइस थी उनकी जो सलाह थी ठीक है उनके जो विचार थे वो अलग अलग देशों और प्रदेशों में भी इन्होंने दिया है ठीक है उसके बाद इस संबंध में दिया गया मंडल एवं सट ठीक है गुण्य सिद्धांत एक सफल एवं सशक्त राज्य की कल्पना का यथार्थ मार्ग दिखाता है यानी कि मनु जो प्रमुख विद्वान है प्रमुख राजनीतिक इनके द्वारा दिया गया कोई भी एडवाइस कोई भी सलाह परामर्श विचार ठीक है वो हर एक राज्य के लिए हर एक देश के लिए पूरी तरह सफल और परफेक्ट साबित होता है और एक नई दिशा दिखाता है ठीक है एक मार्ग दिखाता है उसके बाद मनु के जीवन काल में विषय में ऐतिहासिक प्रमाण का अभाव रहा है मनु के जीवन काल में विषय में ऐतिहासिक प्रमाण का अभाव रहा है इसलिए मनु के जीवन काल को जानने के लिए प्रत्यागात्मक तथ्यों का अधिक सहारा लिया गया है मनु एक ऐतिहासिक पुरुष थे ध्यान रखेंगे क्या थे ऐतिहासिक मतलब कि पुराने पुराने काल के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति ठीक है ऐतिहासिक मतलब कि इतिहास से संबंधित यानी कि पुराने ठीक है काफ़ी और जिनके जन्म के साथ धार्मिक दृष्ट से प्रमाणित सामग्री जुड़ती चली गई ठीक है सामग्री जुड़ती चली गई प्रश्न यह है कि मनु को उन्होंने स्वयं लिखा है यह प्राचीन भारतीय मनीषियों के चिंतनंक संग्रहण मात्र है जिसे मनु के साथ जोड़कर प्रामाणिकता का आवरण पहनाया गया है पौराणिक परंपरा में मनु को प्रथम विधि विधिवेदता माना गया है अन्य विधि संग्रहों के मध्य मतभेदों की दशा मनु अस्मत को प्राथमिकता दी गई है तो इस प्रकार लिखेंगे इनके परिचय के बारे में और इनकी जो मनुअस्मृति है उसके बारे में परिचय तो जो मनुअस्मृति है एक प्रमुख बुक है किताब है और धर्म ग्रंथ है ठीक है जो कि मनु द्वारा लिखित है तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है हंड्रेड परसेंट उम्मीद है कि फंसेगा फंसेगा क्योंकि कई बार आ चुका है तो जितना हो सके पढ़ लीजिएगा ठीक है अब बढ़ते हैं प्रश्न की ओर क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रमुख विद्वान है प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं जिनका नाम है मनु इनकी सामाजिक विचार क्या रहे हैं उनके बारे में लिखिए चलिए तो ध्यान रखेंगे मनु अस्मृत जो कि इनकी प्रमुख ग्रंथ है रचना है धर्म ग्रंथ है प्राचीन धर्मग्रंथ है पुराना ठीक है अस्मृत के राजनीतिक विचार की तुलना में सामाजिक विचार को अधिक ख्यात प्राप्त हुई मतलब कि अधिक इसको अधिक लोगों तक जान सके हैं लोग इसके बारे में विख्यात मतलब पॉपुलर हो चुकी है ठीक है लोकप्रिय प्राप्त हुई है तो मनुस्मृत के राजनीतिक विचार की तुलना में सामाजिक विचार को अधिक ख्यात प्राप्त हुई है ठीक है ध्यान से सुनेंगे इसमें सामाजिक संगठनों के सिद्धांत विभिन्न वर्णों के कर्तव्यों तथा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में राज्य के दायित्व आदि की विवेचना की गई है ठीक है मनु के अनुसार जो व्यक्ति वर्ण धर्म आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन व्यतीत करेगा वही जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है तो ध्यान सुनेंगे मनु जो कि प्रमुख विद्वान है प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं ये कहते हैं कि वो व्यक्ति जो वर्ण धर्म और आश्रम व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करेगा बिताएगा ठीक है वही जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है तो ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने जो कि कॉमन है आपको ध्यान रखना है ठीक है मनु की वर्ण व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि मनु ने वर्ण व्यवस्था को किस प्रकार डिस्क्राइब किया है तो इनकी प्रमुख जो रचना है मनुअसमत में धर्म और कर्म के आधार पर समाज के चार वर्गों में बांटा गया है यानी जो मनुअसमत इनकी बुक धर्म ग्रंथ है प्राचीन धर्म ग्रंथ है इसमें धर्म और कर्म के आधार पर मतलब कि धर्म को भी देखते हुए और कर्म को भी देखते हुए ठीक है किस चीज़ को देखते हुए धर्म हमारा क्या कह रहा है ठीक है और कर्म हमारे कार्य क्या कह रहे हैं उसके आधार पर जो समाज है जो सोसाइटी है उसको चार वर्गों में डिवाइड किया है और इन चार वर्गों को वर्ण नाम दिया है क्या दिया है इन चार वर्गों को वर्ण नाम दिया वर्ण ठीक है ये वर्ण इस प्रकार है पहला है ब्राह्मण दूसरा है क्षत्रिय तीसरा है वैश्य चौथा है शूद्र ध्यान रखेंगे इन चारों की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा की गई है किसके द्वारा की गई है ब्रह्मा द्वारा की गई है ब्रह्मा के प्रमुख सॉरी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण भुजाओं से क्षत्रिय उदार से वैश्य तथा पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है ध्यान से सुनेंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों की जो उत्पत्ति है ये ब्रह्मा जी जो हैं इनके मुख से हुई है ओके okay, उसके बाद ब्राह्मण जो है जो ब्राह्मण वर्ण है ठीक है ध्यान सुनेंगे ये जो ब्राह्मण वर्ग है वर्ण वर्ण ये जो है ब्रह्मा जी के कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है मुख से हुई है ठीक है कहाँ से हुई है ब्रह्मा के जी की मुख से हुई है किसकी ब्राह्मण की मतलब कि ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी का मुख था वहाँ से ब्राह्मण निकले हैं ठीक है वहाँ से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण की और जो छत्रे हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के भुजाओं से हुई है ठीक है और जो वैश्य हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो उदार से है ठीक है और जो वैश्य हैं सॉरी जो शूद्र हैं मतलब कि ध्यान से सुनेंगे फिर से एक मिनट उदास से वैश्य की उत्पत्ति हुई तथा पैरों से शूद्र का जन्म हुआ है या फिर उत्पत्ति हुई फिर जन्म हुआ ध्यान रखेंगे ठीक है उसके बाद अगला पॉइंट है कि मन असमित ने इन चार वर्णों का अवस्थान एवं कर्म जन्मानुसार निर्धारित है जिससे ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से होने के कारण वह वेदों का ज्ञाता है अथा उसका कर्तव्य पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ करना दान लेना देना इत्यादि ठीक है उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे मनु ने आश्रम व्यवस्था को कुछ भागों में डिवाइड किया है जो कि मैंने आपको बता ही दिया और उसके बाद इन्होंने कुछ अपने अनुसार मनु आस मतलब आश्रम जो व्यवस्था है इन्होंने कुछ डिवाइड किया कुछ पार्टों में उनके बारे में जानते हैं तो मनु की आश्रम व्यवस्था में इसके बारे में बताया गया है कि मनु अस्मत के अनुसार मतलब कि जो मनु अस्मत ग्रंथ है इसके अनुसार मानव जीवन के चार आश्रम यह फिर चार आश्रमों में बांटा गया है ठीक है तो चार आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम ठीक है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में आप सभी को मालूम है कि इस आश्रम का समय मतलब कि ब्रह्मचर्य जो आश्रम है ये कब से कब तक रहता है तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये मनुष्य के जीवन में शुरुआत होता है ठीक है कब से जन्म से लेकर कोई भी व्यक्ति है कोई भी समाज में रहने वाला इंसान है ठीक है अगर वो ब्रह्मचर्य में रहना चाह रहा है फिर ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाएगा तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है जिसमें बालक के गुरु के साथ रहकर अध्ययन करता है मतलब जो बच्चा होता है इसे पहले जाते हैं अब गुरुकुल चले जाते थे ना प्राचीन काल में जो बच्चे हुआ करते थे पढ़ने के लिए अपने गुरु के पास वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम का जो समय था इसमें जन्म से लेकर 25 वर्ष के जो बच्चे जो लोग थे वो गुरुकुल में जो उनके गुरु थे उनके साथ शिक्षा के लिए अध्ययन अध्यापन के लिए चले जाते थे और उनके साथ रहकर अध्ययन करते थे इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास होता है बौद्धिक विकास होता है तथा मानसिक विकास होता है ठीक है बालक के बौद्धिक विकास के लिए वेदा अध्यय ज्ञान करना तथा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना शामिल है ब्रह्मचर्य की व्यवस्था स्त्री और शूद्रों के लिए वर्जित है ध्यान से देंगे ब्रह्मचर्य आश्रम है जो है या फिर ब्रह्मचर्य जो व्यवस्था है उसमें स्त्रियॉँ और शूद्र नहीं आ सकते ठीक है इन दोनों के लिए वर्जित है उसके बाद आ जाएंगे हम दूसरे आश्रम की ओर जिसको ग्रस्थ आश्रम बोलते हैं तो इसमें लिखना है कि प्रथम आश्रम के उपरांत मानव अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वंश परंपरा बनाए रखने के लिए ग्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है यानी कि 25 वर्ष के बाद यानि प्रथम आश्रम को कंप्लीट करने के बाद यानी कि जो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है उसको कंप्लीट करने के बाद आप गृहस्थ आश्रम में आ जाएंगे छब्बीस साल के बाद से मतलब पच्चीस कंप्लीट होगा तो छब्बीस से ठीक है तो इसमें प्रथम आश्रम जब आश्रम के बाद में मानो अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वंश परंपरा बनाए रखने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता मतलब कि शादी करता है कमाता है ठीक है व्यक्ति विवाहोपरांत गृहस्थ हो जाता है संतानोत्पत्ति उत्पत्ति द्वारा पूर्वजों के ऋण से तथा राज आदि करके देवों के ए, देवों के सिस्टम से मुक्त हो जाता है मनु मनोअमृत में एक ग्रस्त के लिए धन संचयन तथा स्त्रियों के प्रति सम्मान का नाश करने वाला माना गया है ठीक है इस प्रकार लिखेंगे ग्रस्त आश्रम के बारे में बाकी आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है उसके बाद आएंगे हम वान आश्रम तो ग्रस्त आश्रम के बाद आ जाएगा वानप्रस्थ आश्रम तो इसमें होता है ग्रस्त के द्वारा लगभग पचास वर्ष की आयु प्राप्त करने या फिर कर लेने पर वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट या फिर प्रवेश हो जाता है ठीक है व्यक्ति कोई इंसान पचास वर्ष यानी पचास वर्ष की आयु उम्र जब प्राप्त कर लेता है तो वो उसके बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है ठीक है मनु यानी कि प्रमुख विद्वान मनु के अनुसार इस आश्रम में व्यक्ति का कार्य छेद परिवार ना होकर संपूर्ण समाज होता है ठीक है क्योंकि बच्चे तो बड़े हो जाते भाई पचास साल की उम्र के बाद तो वो क्या करता समाज है समाज के प्रति रुचि रखने लगता है ठीक है उसे अब मान अपमान सुख दुख आदि विभिन्न प्रकार के जो भाव हैं इनको अपनाना चाहिए ठीक है और मानव मात्र जो मित्र है भाव है जो भावनाएं हैं इन सबको बनाए रखना ठीक है ये सब आ जाता है वन आश्रम में उसके बाद आ जाएगा संन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम के बाद आ जाता है आश्रम इसमें मनुअस्म में यानी कि प्रमुख ग्रंथ जो है मनुअस्मत में इसमें मानव जीवन के अंतिम चतु को संयास आश्रम के रूप में स्वीकार किया गया है मनु का मानना है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश प्रवेश से पूर्व व्यक्त को देव ऋण ऋषि ऋण और ऋण से मुक्त हो जाना चाहिए अन्यथा वह नरकगामी होता है वेदों के पूर्वक अध्ययन को पुत्र प्राप्त के उपरांत ही संन्यास आश्रम के द्वारा मोच की प्राप्त संभव है ठीक है यानी कि इसका मतलब ये हुआ ध्यान से सुन लीजिएगा अगर आपने किसी से कोई ऋण लिया है कोई उधारी ली है किसी से भी तो उसको आपको मुक्त कर देना है ठीक है अन्यथा आपको नरक जाना पड़ेगा मृत्यु के बाद ठीक है और अगर आपने विधि वेदों विधि पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के उपरांत ही संन्यास आश्रम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की मतलब कि अगर आप पुत्र प्राप्ति आपको हुई है और आपने वेदों की पूर्वक अध्ययन किया है जाना है ठीक है तो उसके बाद सन्यास आश्रम जब आप चले जाएंगे सन्यास आश्रम में मतलब कि लास्ट स्टेज में बुढ़ापे में तब आपको मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है ठीक है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा तो इस प्रकार लिखेंगे इन चारों के आश्रमों के बारे में जो कि प्रमुख क्वेश्चन पक्षेगा पक्का अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति पर टिप्पणी तो की तो कौटिल्य जो कि प्रमुख विद्वान प्रमुख समाजशास्त्री और प्रमुख राजनीतिज्ञ क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में तो कौटिल्य की राज्य की उत्पत्ति के बारे में हमको जरूर तैयार कर लेना है परिचय में आपको बता दे रहा हूँ कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है ध्यान सुनेंगे कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक यानी कि फादर माना जाता है उनका जन्म चौथी ईसा पूर्व मगध राज्य में हुआ इनके बचपन का नाम विष्णुगुप्त तथा उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है आप सभी अच्छे से परिचित है ये क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट पर्चे का ध्यान रखेंगे इसका उत्तर बाकी आप डिटेल में आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं आएगा पक्का ठीक है ओके उसके बाद एक और क्वेश्चन है कॉटर लिखे सप्तांग सिद्धांत पर टिप्पणी लिखी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी नोट कर लीजिए भी आएगा ठीक है उसके बाद देखिए अब उत्तर आपको खुद से पढ़ लेना है ठीक है अब ज़्यादा समय नहीं इसलिए मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करा दे रहा हूँ कौन कौन से परीक्षा में आने की उम्मीद है वो मैं आपको लिए तैयार किया वो मैं आपको बताया दे रहा हूँ ठीक है अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत मंडल सिद्धांत पर जो अभी क्वेश्चन आएंगे ध्यान से सुन लीजिए नोट कर लीजिए इसको भी उसके बाद मंडल सिद्धांत के बारे में तो आएगा क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट स्योरी मैं आपको बता ही चुका हूँ ठीक है इनके बारह प्रकार के देशों का जिक्र किया गया है ठीक उन्होंने उन्होंने मंडल में बारह प्रकार के देशों का जिक्र किया है ध्यान से सुनेंगे ठीक है काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है और आएगा पक्का इसका उत्तर आप डीपली तैयार कर लीजिएगा ठीक है उत्तर मैंने लिख दिया है ठीक है और आप लोगों के समस्त उत्तर भी है क्वेश्चन भी है तो आपको भटक भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिस भी प्रश्न का उत्तर थोड़ा आपको शॉर्ट लगे उसके बारे में आपको गूगल में पढ़ लेना है या फिर सीरीज बुक है तो उसमें भी पढ़ लीजिएगा मनु के राजनीतिक विचार की व्याख्या कीजिए भी हंड्रेड परसेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ठीक है इसके बारे में पढ़ लेंगे इसका उत्तर बाकायदा एक बार एक मतलब स्टेप बाय स्टेप दिया गया आप तैयार कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पर कुछ विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं जिसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि मनु का राजत्व सिद्धांत तो क्या था ठीक है उसके अनुसार राज्य के किन्हीं चार कार्यों की विवेचना कीजिए या फिर क्वेश्चन हो सकता मनु और कोटल्य के राज्य के प्रति क्या अवधारणा थी राज्य के कार्यों के संबंध में मनु के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए राज्य के कार्य के क्षेत्र राज्य के कार्य क्षेत्र से संबंधित मनु के विचार लिखे मनु के अनुसार राजा निरंकुश क्यों नहीं हो सकता तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते क्योंकि क्वेश्चन पिछले पालों में रिपीटेड हैं तो ध्यान से तैयार कर लीजिएगा ठीक है लगभग लगभग प्रश्नों का उत्तर इसमें मैंने दे ही दिया जो एक आज दो क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कम है मतलब कि छोटा है उसको गूगल कर लेना है बाकी ये पी आपको हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो आप धीरे धीरे एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा बाकी हम आप लोगों की हेल्प तो करते ही रहते हैं ये आपको पी मिल जाएगी टेली व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि सर हमें इस सब्जेक्ट का इस सेमेस्टर का ये वाला पेपर आपको चाहिए फर्स्ट पेपर या सेकेंड पेपर ये जरूर लिख दीजिएगा ठीक है हम आपको सेंड कर देंगे बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जय हिंद